हाय एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सॉफ्ट मलाई केक। इसको गैस स्टोव पर यानी कि चूल्हे पर ही बनाएंगे और कोई भी मेजरिंग स्पून या कप की यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ऐसा एक कढ़ाई या प्रेशर कुकर लेंगे, उसको गैस का हाई फ्लेम में चढ़ा के ढक के प्री हीट करने के लिए देंगे, जैसे ओवन को हम लोग प्री हीट करते हैं। इसके बाद एक केक टीन या कोई भी ऐसे साइड में ऊंचा वाला कटोरी को तेल लगा के ग्रीस करके रख देंगे। ये सब प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग केक का बैटर बनाएंगे। ये दोनों चीज़ प्रिपेयर करने के बाद हम लोग केक का बैटर बनाएंगे, नहीं तो केक फूलेगा नहीं। बैटर के लिए हम लोगों को चाहिए मैदा, देसी घी या मक्खन भी ले सकते हैं, दूध और वेजिटेबल ऑयल, और लेंगे मिक्सी में पिसा हुआ चीनी और खोआ। ये घर में बनी हुई खोआ है, आप बाहर का भी ले सकते हो। और चाहिए वैनिला एसेंस एंड बेकिंग पाउडर। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम लोग 12 स्पून मैदा लेंगे। यहाँ पे कोई भी स्पून यूज किया जा सकता है, लेकिन जिस स्पून से मैदा लेंगे उसी स्पून से बाकी सारे चीज भी मेजर करेंगे, नहीं तो केक अच्छी नहीं बनी। अभी उसी चम्मच से इस मैदे के अंदर 8 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। इस केक में शक्कर थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से हम लोग मलाई डालेंगे, उसमें भी मिठास रहेगी, इसलिए थोड़ा कम शक्कर डाल के केक बनाना पड़ता है। मैदा और शुगर को एक बार मिला लेंगे हल्के हाथ से। अभी इसमें डालेंगे 12 स्पून दूध, 4 स्पून वेजिटेबल ऑयल, और डालेंगे 3-4 ड्रॉप वैनिला एसेंस के, और 1 स्पून बेकिंग पाउडर। अभी सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखेंगे इसमें कोई लंप ना रह जाए, नहीं तो केक अच्छे से फूलेगी नहीं। और इसका बैटर अगर थोड़ा थिक हो तो इसमें दूध भी ऐड करेंगे। केक का बैटर ज़्यादा थिक हो तो थोड़ा ड्राई बनता है, इसलिए केक का बैटर पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। बैटर रेडी है, अभी इसमें खोआ डाल देंगे। खोआ को डालने के बाद अच्छे से मिक्स नहीं करना है, इसको हल्के हाथ से फोल्ड करना है। बैटर रेडी है, इसको बेक करने के लिए रख देंगे। बैटर डालने के बाद 2 बार इसको कैप कर लेंगे, उसके बाद बहुत ध्यान से इसको रखेंगे और गैस को सीम कर लेंगे। जब तक केक बन रही है तब तक हम लोग इसको मलाई बना लेंगे। मलाई के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया है और उसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे। अभी उसमें शक्कर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच शक्कर डाला है, शक्कर अपने हिसाब से, जिसको जितना मीठा खाना है। अभी उसमें डालेंगे इलायची पाउडर और खोआ। खोआ मैंने यहाँ पे 3-4 स्पून डाला था, और इसको लगातार हिलाते रहना चाहिए, नहीं तो इसमें ऊपर से मलाई जम जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। इसका दूध गाढ़ा बनेगा, लेकिन ऊपर से मलाई नहीं जमनी चाहिए, इसके लिए इसको लगातार ऐसे हिलाना पड़ता है। और जो खोआ हमने डाला है उसका कुछ लंप रह जाए तो उसको भी अच्छे से मिला देंगे। अभी
अभी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद केक तैयार है कि नहीं वो चेक करेंगे। उसके लिए कोई टूथपिक लेके इसको अंदर डालेंगे और देखिए एकदम क्लियर निकला है। अगर कच्चा रहता तो थोड़ा गीला निकलता। अभी केक को ऊपर से उसी टूथपिक से थोड़ा पोक कर लेंगे ताकि मलाई जब डाले तो वो अंदर जाए। गरम केक को हम लोग तुरंत डिमोल्ड नहीं करेंगे, इसको ढक के रखेंगे, नहीं तो केक ड्राई हो जाएगा। अभी 1 घंटा हो गया है, केक ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। अभी केक को डिमोल्ड करेंगे, उसको साइड से ऐसे कोई चाकू से थोड़ा ढीला कर लेंगे और उसको एक प्लेट लेके उल्टा करके डिमोल्ड कर लेंगे। देखिए केक कितना अच्छे से निकल के आ गया है। अभी उसको फिर से सीधा कर लेंगे। इस केक के ऊपर गरम मलाई डाल देंगे। गरम मलाई डालने से केक का सॉफ्टनेस बढ़ता है और केक के अंदर वो मलाई जाती भी है और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ऊपर से आपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। मैंने आमंड डाला है, आप कैशूनट, पिस्ता, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। मलाई ठंडा होने के बाद हम लोग केक को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसको गरम गरम नहीं कट करेंगे, नहीं तो केक पूरा टूट जाएगा। देखिए कितना सॉफ्ट बना है और अंदर तक इसका मलाई चला गया है। केक बहुत अच्छा तैयार हुआ है, अंदर से एकदम मॉइस्ट और ऊपर से मलाई इसका टेस्ट और भी बढ़ा रही है। देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है ये केक। ये केक आप आराम से घर पे बना सकते हो, इसके लिए कोई ओवन या ओटीजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई मेजरिंग स्पून या कप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे ही इसको बना सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल बटन। बाय बाय।